उनको एक करते हैं कि हम क्या क्या कुछ पढ़ लिए और उसका मतलब हमें क्या क्या कुछ समझ में आया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज है दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। लेट अस स्टार्ट विद मल्टीपल्स। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे किसी भी नंबर के मल्टीपल्स निकालने हैं, हाउ विल यू फाइंड आउट मल्टीपल्स ऑफ एनी गिवन नंबर? शाबाश, अब छोड़ दो कापी किताब, सब छोड़ दो, और जो मैं पूछ रही हूं उसका आंसर आपने सिर्फ करना है और हैंड रेज करने हैं जिसको मालूम है मल्टीपल ऑफ अ नंबर का मतलब। या मैं कह दूं सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स, मुझे मल्टीपल्स ऑफ 3 बताओ। एनी स्टूडेंट हु कैन टेल मी मल्टीपल्स ऑफ 3, रेज योर हैंड्स। 6A और 6B, रेज योर हैंड्स। हाँ जी, 6A से फर्स्ट बेंच पे जो बच्चे बैठे हैं दो, मिडिल रो में कोई से बता दो मल्टीपल्स ऑफ 3। मैम लाइक 3 1 3 3 2 6। बिल्कुल ठीक है बच्चे। तो मल्टीपल्स क्या है? मल्टीपल मींस मैं गिवन नंबर को मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर विद काउंटिंग नंबर्स। मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर विद काउंटिंग नंबर्स टू गेट द मल्टीपल्स। और काउंटिंग नंबर आपको मालूम है 1 2 3 4 सो ऑन। तो अगर मैं आपसे मल्टीपल्स ऑफ 3 पूछूं तो 3 6 9 12 15 18। अब सिर्फ हैंड रेज करना है, सबने नहीं बोलना। मैं किसी भी नंबर के कितने मल्टीपल्स लिख सकती हूँ? हाँ जी, 6B से फर्स्ट बेंच पे जो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, बोल बेटा हाउ मेनी मल्टीपल्स कैन आई राइट फॉर एनी नंबर? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, क्योंकि वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा। हमें मालूम है, हमने क्या कहा, मल्टीपल कैसे मिलते हैं, गिवन नंबर को काउंटिंग नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके। और हमें मालूम है काउंटिंग नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, 1 2 3 4 चलते ही जाते हैं, कहीं रुकते ही नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर हैं दे आर इनफाइनाइट। मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट। मल्टीपल्स मिल कैसे रहे हैं? काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करके। और कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं किसी भी नंबर के? इनफाइनाइट। अब जो मल्टीपल्स ऑफ नंबर हैं, सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे, बोलेंगे नहीं सारे, वो गिवन नंबर से बड़े होते हैं कि गिवन नंबर से छोटे होते हैं? हाँ, रेज योर हैंड्स ओनली। प्लीज रिपीट अगेन। मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर और लेस देन और इक्वल टू द नंबर। शाबाश, ये लिखे हुए हैं, उसी से अंदाजा लगा सकते हो। मल्टीपल किसके ले रहे थे? 3 के। मल्टीपल लिखे क्या? 3 6 9 12 15 18 एंड सो फोर्थ, चलते जा रहे हैं हम आगे। तो किसी भी नंबर के मल्टीपल्स, मैंने पूछा, दे आर लेस देन द नंबर, लेस देन और इक्वल टू द नंबर, और ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। 6A से हम आंसर लेते हैं, सेकंड बेंच पर डोर वाली साइड से जो रो है उसमें, सेकंड बेंच पे जो गर्ल्स बैठी हैं, कोई सी आ जाओ आगे, कोई भी आ जाओ, कोई भी एक दूसरे को धक्के ना मारो, कोई सी आ जाओ। ग्रेटर दे आर ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर। वेरी गुड बेटा। जब नंबर को 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर मिल गया, जैसे ही किसी और नंबर से, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली मेरा जो नंबर है वो कंपेरेटिवली बढ़ता ही जाएगा, वो कम तो नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो हमारे पास जो मल्टीपल्स हैं वो हम काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करके ले रहे हैं। मल्टीपल्स इनफाइनाइट हो सकते हैं किसी भी नंबर के, और हमेशा जो मेरे मल्टीपल्स हैं वो नंबर्स के बराबर या तो फिर उससे बड़े होने वाले हैं। क्वेश्चन करके बताओ अब एक जरा। राइट डाउन, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स, राइट डाउन द क्वेश्चन।
Find all the multiples of 8. Find all the multiples of 8 between. अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया. ऑल द मल्टीपल मल्टीपल्स ऑफ 8 लाइंग बिटवीन 60 एंड 100. 8 के मल्टीपल जो 60 और 100 के बीच में लाई करें वो आपने मुझे बताने. शाबाश, जल्दी जल्दी लिख लो, सिर्फ हाथ खड़ा करना है. चलिए जल्दी से, 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं विच आर लाइंग बिटवीन 60 एंड 100. I'm done. जिसका हो गया हैंड रेज करो. हाँ जी, एनीवन फ्रॉम 6th B हु हैज डन 6th B? पीछे लास्ट में जो बच्चे बैठे हैं, हाँ पीछे से एक गर्ल ने हाथ खड़ा किया 6th B में. आ जा बेटा, आ गया, जा माइक के पास फटाफट से. मल्टीपल्स ऑफ 8 लाइंग बिटवीन 60 एंड 100. मैम 64, 64, 72 72, एंड 80. 80. बस आगे नहीं जा सकते? हाँ मैम करना है करो करो करो, जल्दी जल्दी करो. 98, 98. बस 80 के बाद सीधा 90 80 आ रहे हैं. हाँ जी बोलो जी, बोलो बोलो बोलो. मे आई वाला कौन है? हाँ बोलो. 64, 72, 80, 88, 88, 96. 96. वेरी गुड. बच्चों जब हम मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, हम टेबल की बात नहीं कर रहे कि आप 10 तक मल्टीप्लाई करके रुक जाओ. नो, मल्टीपल्स हमने अभी बात की. मल्टीपल निकालने के लिए मुझे नंबर्स को काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करना है. तो आपने 8 को 1 से लेके आगे मल्टीप्लाई करना शुरू किया, तो 8 7 56. मुझे चाहिए था बिटवीन 60 एंड 100. तो 56 तक वाले जो मल्टीपल हैं वो मेरे आंसर का पार्ट नहीं बनेंगे. कहाँ से शुरुआत होगी? 8 8 जा 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80. अब ये नहीं है कि क्योंकि हम टेबल 10 तक करते हैं तो हम यहीं रुक जाएं. नहीं, मुझे क्या कहा गया? लाइंग बिटवीन 60 एंड 100. तो मुझे फर्दर चलना पड़ेगा. 8 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 88 आ रहा है. 8 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 96. लेकिन जब मैं 8 को 13 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या बन रहा है? 102, 102. 104. 3 8 जा 24, 2 इज दी कैरी, 8 1 जा 1 प्लस 2 10, तो 104. ये मुझे नहीं चाहिए. मुझे चाहिए थे सिर्फ लाइंग बिटवीन 60 एंड 100. सो आई हैव 5 such multiples of 8 which lie between 60 and 100. Is it okay? समझ में आया सभी को? चलिए अब एक बात बताओ,
मैं यहां पर कुछ नंबर्स लिख रही हूं, और अगर मैं आपसे पूछूं, आई एम राइटिंग 210, 332, 120, 5135, 23871, 9800. ठीक है जी, दीज आर द नंबर्स आई हैव रिटन, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 10 आर देयर, और हाउ मेनी ऑफ देम आर मल्टीपल्स ऑफ 10. तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? अगर मैं आपको 10 के मल्टीपल्स निकालने को बोल दूं, फिर तो आप लिख लोगे फटाफट से, 10, 20, 30 चलते जाओगे. लेकिन अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट पूछ लिया. मैंने ये नंबर्स दे दिए और आपको बोला कि इसमें से 10 के मल्टीपल्स कौन से हैं वो निकालो. तो क्या समझ में आता, कैसे चलना पड़ेगा मुझे? क्या मैं सबको पहले देखूं कि कौन कौन से 10 के मल्टीपल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई और तरीके से मैं बता सकती हूँ सामने से ही? 6B पीछे से हाथ खड़ा हुआ है, सेकंड लास्ट बेंच पे. हाँ आ जा बेटा, आ गया, आ जा, शाबाश. मैम, इन दीज नंबर्स 10th मल्टीपल्स आर 210, 120, 9000 एंड 800. बिकॉज वेन एवर वी मल्टीप्लाई 10 विद एनी नंबर, द आंसर कम्स विद जीरो. The answer comes with zero at units place. Very good, very nice. ध्यान से समझ लो अब मेरी बात. आप सोच के देखो, अगर आप 10 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीपल निकालने के लिए हम यही करते हैं, 10 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया. और जब भी मैं 10 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, उस नंबर के एंड में क्या जीरो आएगा? आना ही पड़ेगा, और तो कोई रास्ता ही नहीं है उसके पास. लेट अस से मैं कहूं यहां पर, जैसे ये बना, तो मैं इसको लिख सकती हूं 980 मल्टीप्लाइड विद 10, 9800 बनेगा. 120 इज 112 इंटू 10, 210 इज 21 इंटू 10. इसका मतलब अगर आपसे मल्टीपल्स ऑफ 10 पूछे जाएं, इसका मतलब उनके लास्ट में क्या आना चाहिए? ये बात सभी को समझ में आई? चलो अब अगर मैं सेम नंबर्स दे करके आपको पूछूं मल्टीपल्स ऑफ 5, हाउ मेनी ऑफ देम आर मल्टीपल्स ऑफ 5, आप बताओ जी. हाँ जी, सिक्स ए से कोई पीछे से, ये सिर्फ दो चार बच्चे आगे आगे वाले हाथ खड़ा करते हैं, पीछे वाले कोई बोलता ही नहीं है. तो चलो मैं ही बुलाती हूँ, प्राची फ्रॉम सिक्स ए. प्राची फ्रॉम सिक्स ए, आजा बेटा. आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीपल्स ऑफ 5. बेटा हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 5? नंबर मेरे ये थे लिखे हुए, पांच के मल्टीपल. 535. 534 तो कहीं लिखा ही नहीं मैंने. 31,535. 5135. आप कह रहे हो सिर्फ यही है 5 का मल्टीपल बस? हाँ, के इसके अलावा और भी हैं मल्टीपल्स ऑफ 5 यहाँ पर. आप कह रहे हो ये 5 का मल्टीपल है, क्या इसके अलावा भी है कोई 5 का मल्टीपल इसमें? हाँ बताओ, और कौन से हैं 5 के मल्टीपल्स? 332. अच्छा जी, 332 5 का मल्टीपल है.
चलिए जी, सिक्स्थ ए में से, मिडिल रो में से, थर्ड बेंच पर जो बच्चे बैठे हैं उनमें से आएगा। हाँ आ जाओ बेटा। मैम 210 210, ओके, एंड 120 एंड 120, 5135 ओके, 9800 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 5। ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5। देखो बच्चों, जिस भी नंबर के एंड में या तो 0 आ जाएगा या 5 आ जाएगा, वो क्या होगा? मल्टीपल ऑफ। फाइव। बैठिए सीट पे जाके दोनों। जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस में 0 आ जाए सिर्फ, तो वो 10 का मल्टीपल डेफिनेटली होगा। जिस भी नंबर की यूनिट प्लेस पे 5 एंड 10 आ जाएगा तो का मल्टीपल होगा 5 का। ठीक है जी। चलिए, तो ये तो हमने थोड़ी सी बात कर ली मल्टीपल्स की। अब हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो हैं फैक्टर्स। लो जी, वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर, बताइए जी। अगर मैं पूछूं आपसे, इज 2 अ फैक्टर ऑफ 4? सारों ने आंसर करना है। क्वेश्चन है मेरा, इज 2 अ फैक्टर ऑफ 4, यस और नो? अच्छा, 2 4 का फैक्टर नहीं है। फैक्टर क्या होता है फिर बताना जरा मुझे। फैक्टर फैक्टर पढ़ लिया ना आपने क्लास में, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। सिक्स थे स्टूडेंट्स, हैव यू डन? हाँ, तो फिर कर लिया तो फिर तो पता होना चाहिए ना। फैक्टर का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर का कोई फैक्टर अगर निकालना हो, कैसे निकालते हैं बच्चों? फैक्टर का मतलब एग्जैक्ट डिवाइजर। एग्जैक्ट डिवाइजर, एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब, अगर मैं कह रही हूं 2 4 का फैक्टर है या नहीं, तो आप क्या करोगे? 2 से 4 को डिवाइड करके देखोगे। अगर रिमाइंडर 0 बन जाए, देन 2 इज द फैक्टर ऑफ 4। व्हेन आई डिवाइड 4 विद 2, 2 टू जा 4, माई रिमाइंडर इज, तो जीरो। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। दोबारा सुनो, फैक्टर का मतलब क्या है? एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपको कहा गया कोई भी नंबर दूसरे का फैक्टर है या नहीं, तो डिवाइड करके देख लो। अगर तो रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलो। चलो फिर, अब सोच के बड़ा ध्यान से, टाइम लगा लेना, जल्दी कोई नहीं है। आपने मुझे बताने हैं फैक्टर्स ऑफ 6। और जब भी फैक्टर ढूंढने हैं, 1 से शुरू हो जाना है हमने। ठीक है जी, फैक्टर्स ऑफ 6। डन? ठीक है ठीक है, चलो कर लो कर लो, पहले बाकियों को भी कर लेने दो, फिर मैं आंसर लेती हूँ। ये सिक्स बी में सेकंड रो में जो बच्चा बैठा है, इसने फटाफट जल्दी से हाथ खड़ा किया, ये आएगा आगे। आ जाओ बेटा। हाँ, आप ही जो पीछे देख रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वन टू 3 1 2 3 एंड 6 6। वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा।
अगर मैं 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर दूं तो हमेशा फुली डिविजिबल होगा, रिमाइंडर हमेशा ही 0 आने वाला है. तो पहली चीज, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड कर देते हो तो वो हमेशा फुली डिविजिबल रहेगा ही रहेगा. दूसरी बात, अगर मैं नंबर को इटसेल्फ से ही डिवाइड कर दूं तो क्या हमेशा डिविजिबिलिटी रहेगी? नंबर खुद से तो हमेशा डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है. दूसरी बात, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर खुद का फैक्टर होता ही होता है, और 1 सभी नंबर का फैक्टर होता ही है, क्योंकि 1 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आना ही आना है. तो किसी भी नंबर के अगर मेरे से फैक्टर पूछे जा रहे हैं तो मैं शुरुआत कहां से करती हूँ? 1 से. 1 से तो डिवाइड हो गया अगला नंबर 2. क्या 2 से 6 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है? 3 से भी हो जाता है. 4 से क्या डिवाइड होता है पूरी तरह से? नहीं होता. तो 4 फैक्टर नहीं बना. 5 से भी डिवाइड नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं बनेगा. 6 से डिवाइड हो गया. अब मैं आगे क्यों नहीं जा रही? कैन आई चेक 7 इज अ फैक्टर ऑफ 6 और नॉट? शुड आई गो अहेड ऑफ इट? नहीं. ठीक है जी, इसका मतलब सोच के आंसर करना. जैसे हमने मल्टीपल्स की बात की तो हमने कहा था किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स हैं वो इनफाइनाइट होते हैं. आई कैन नॉट काउंट देम. कहीं तक भी मैं जा सकती हूँ. क्या ये बात फैक्टर्स के लिए भी ट्रू हुई कि नहीं? तो अब हम क्या कहेंगे? एवरी नंबर हैज, एवरी नंबर हैज फाइनाइट फैक्टर्स. एवरी नंबर हैज फाइनाइट फैक्टर्स. मल्टीपल्स इनफाइनाइट लेकिन फैक्टर्स फाइनाइट. जब हमने बात की थी मल्टीपल्स की तो हमने कहा कि मल्टीपल ऑफ नंबर्स आर इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर, है ना? अब मल्टीपल्स में क्या कहोगे? ध्यान से देखो, आपने 6 के मल्टीपल निकाले, 1, 2, 3 और 6. तो क्या फैक्टर्स ऑफ अ नंबर उस नंबर से बड़े या उसके बराबर है या छोटे और उससे बराबर है? छोटे एंड इक्वल. तो एवरी फैक्टर इज, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू नंबर. किसी भी नंबर के अगर आप फैक्टर्स लिख रहे हो तो उससे बड़ा फैक्टर तो कभी आ ही नहीं सकता. उसके बराबर आएगा या तो फिर उससे छोटा आएगा. तो ये 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. फैक्टर का मतलब क्या है? फैक्टर मीन्स द एग्जैक्ट डिवाइजर. एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब अगर मैं गिवन नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करूं पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो उसका फैक्टर है. 1 हर नंबर का फैक्टर है. नंबर इटसेल्फ इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. एवरी नंबर हैज फाइनाइट फैक्टर्स एंड एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द फैक्टर. चलिए जी, तो अब आपने मुझे क्या करके बताना है? थोड़ा सा टाइम लगेगा, देख देख के, सोच के, जल्दी नहीं है कुछ भी. हमें आपने मुझे बताना है फैक्टर्स ऑफ 36. फैक्टर्स ऑफ 36. चलिए शाबाश, जल्दी जल्दी निकालिए और बताइए. चलिए ठीक है, बाकी वो करने देते हैं.
एक आधे बच्चे के करने से बात नहीं बनेगी, लेट अदर्स ऑल्सो डू, देन वी विल डिस्कस। बातें नहीं, बातें नहीं, जल्दी जल्दी करो और बताओ मुझे। ठीक है चलिए, 2 मिनट और दे रही हूँ, सारे कर लें फिर मैं क्वेश्चन पूछूं। हाँ जी, मुझे 6th B में से बताना है। विनय, विनय फ्रॉम 6th B, विनय फ्रॉम 6th B, कम नियर द माइक, एब्सेंट. ही इज एब्सेंट। ओके, मयंक, मयंक फ्रॉम 6th B। हाँ शाबाश, आ जा बेटे, जल्दी से आ जाएगी, जल्दी जल्दी भाग के। और 36 के फैक्टर्स मुझे जल्दी जल्दी बता दे। ना ना, वो आ रहा है, वो बताएगा। बोलो यस. जी, फैक्टर्स ऑफ 36। मयंक, आप क्लास में बैठे थे कि कहीं और थे? हाँ जी मयंक, वर यू इन द क्लास, थे क्लास में कि कहीं और से आए हो? थर्टी सिक्स के फैक्टर्स पूछ रही हूँ मैं, फैक्टर्स ऑफ 36, बोल बेटा। 36 के फैक्टर, 36 के फैक्टर्स। वन वन, थर्टी सिक्स का 1 26 वन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 6th A मिडिल रो, बिल्कुल एंड वाला बच्चा उठ के आएगा। 6th A मिडिल रो, और ध्यान से सुन बेटा क्या कह रहे हैं। मयंक यहीं खड़े रहना, अभी आपने जाना नहीं है, ध्यान से सुनना जरा। हाँ, उसकी कॉपी देख के क्या होगा, अपने आप तो कुछ करना नहीं हमने, है ना? हाँ, 6th A मिडिल रो। हाँ आप कुछ बोल रहे हो? मैम, फैक्टर ऑफ 36 आर 1 2 3 6 9 18 36 हाँ? मैम, हाँ? वन टू थ्री 4 6 9 18 12 भी आएगा बेटा बीच में, 12, 15, 36। बेटा फैक्टर्स का मतलब क्या होता है मयंक? ठीक है बस, हाथ नीचे कर लो सब। हाँ ये मयंक बताएगा मुझे फैक्टर का मतलब क्या था बेटा। ये जो 2 है, ये 36 का फैक्टर क्यों है? क्योंकि जब मैं 36 को 2 से डिवाइड कर रही हूं, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर 6, 2 8 जा 16, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या रहा है? इसीलिए ये है फैक्टर। तो जब भी फैक्टर ढूंढना है मयंक, तो क्या करना है, एक कोई भी नंबर ले लो, उससे इसको डिवाइड करके देखो, अगर तो रिमाइंडर 0 तो फैक्टर है, नहीं तो उसका फैक्टर नहीं है। ओके मैम. ठीक है जी, तो अब बता मुझे बच्चा सोच के, क्या 5 36 का फैक्टर है? नो. क्यों? अगर मैं 36 को 5 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा?
फाइव सेवन जा 35, रिमाइंडर बच गया 1, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। मैं कुछ समझ में आई है बात बेटा? यस ठीक है चलो सीट पे अगला क्वेश्चन तेरे से पूछा मैंने, ध्यान से सुनिए बेटा क्लास में क्या कह रहे हैं। ठीक है बच्चे जाओ सीट पे जाओ। हाँ जी तो हमने फैक्टर्स देखे, फैक्टर्स के लिए एग्जैक्ट डिवाइजर चाहिए था, वो हमने देख लिया कैसे कैसे हम निकाल पा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स के। वन इज योर प्राइम नंबर, अनदर इज कंपोजिट। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ खुद से या तो फिर 1 से डिवाइड हों। इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, 1 एंड इट सेल्फ आर प्राइम नंबर। ठीक है जी, किसी भी नंबर के अगर आप सिर्फ दो ही फैक्टर निकाल पाओ, वो हमने पढ़ लिया, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो ये दो तो होने ही होने हैं, इससे नीचे तो जाना ही नहीं है मैंने। अगर इसके अलावा आपको नंबर का कोई भी और फैक्टर नहीं मिलता तो वो कैसा है? प्राइम। अदरवाइज कैसा है? वो कंपोजिट। ठीक है जी, पढ़ चुके हो कि नहीं क्लास में ये बताओ पहले मुझे। सिक्स है स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर कर लिया क्लास में? ठीक है जी, तो अब जल्दी से सोच के बताना है आपने मुझे, क्या 15 प्राइम नंबर है? इज 15 अ प्राइम नंबर? नहीं है। कि अगर मैं 15 के फैक्टर लिखूं तो 1 फैक्टर आ गया, फिर 3 आ गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। जब 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा एक भी और फैक्टर मिल जाए तो वो कैसा हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। तो ये जो 15 है ये है मेरा कंपोजिट नंबर, नॉट द प्राइम नंबर। आई गिव अ नंबर 41, इज इट प्राइम और कंपोजिट? 41 शाबाश, जल्दी से बताओ। प्राइम नंबर बताने के लिए फिर से आपको फैक्टराइजेशन आनी पड़ेगी, अगर फैक्टराइजेशन नहीं आती तो प्राइम नंबर की बात नहीं बता सकते। 41, जल्दी से सोचिए और बताइए, इज 41 अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर? इज 41 अ प्राइम नंबर? हाँ जी, 6A, बिल्कुल वो उस विंडो वाली साइड से थर्ड बेंच पे एक लड़के ने हाथ खड़ा किया। आ जा बच्चे आगे। दे दिस इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि जब आप 41 के फैक्टर्स कर रहे हो तो सिर्फ 1 एंड 41, यही दो ऐसे नंबर मिल रहे हैं आपको जो इसके फैक्टर्स हैं, इसके अलावा ये किसी से भी डिवाइड नहीं है। अब आपने मुझे बताना है जो 1 है ये कैसा है? इज इट प्राइम और कंपोजिट? 1 के बारे में, इज इट प्राइम और कंपोजिट? दिस गर्ल 6B फर्स्ट बेंच पे, कॉम्पोजिट 1 इज अ कंपोजिट नंबर? नंबर। अच्छा, 6A वाले क्या कहते हैं? इज 1 अ कंपोजिट नंबर? बोलो बेटा, 6A वाले स्टूडेंट्स क्या कहते हैं?
एम इट इज नॉट कॉम्पोजिट नंबर एंड इट इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर. एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लो सारे. वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. प्राइम नंबर के फैक्टर्स की बात करूं तो सिर्फ एक ही फैक्टर बना इसका, वन, और इटसेल्फ भी वन ही हो गया. ठीक है जी, प्राइम नंबर में हमने क्या कहा था कि जिसके दो फैक्टर्स हों वो प्राइम, दो से ज्यादा हो जाएं तो कंपोजिट. अब वन का तो बेचारे का एक ही फैक्टर है, इसीलिए इसको क्या कह दिया, इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. ये बातें कर रहे हैं ना जो 6B में, मैं सबको देख रही हूं. जो जो पॉइंट बताए जा रहे हैं उनको लिखो, क्योंकि पेपर में इनमें से क्वेश्चन आ सकता है सामने से सीधे से. राइट डाउन, वन इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम. चलिए जी, मेरा अगला क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी एनी नंबर विच इज इवन एंड प्राइम बोथ. इवन नंबर कौन से होते हैं बच्चों? When do you say a number to be even? When it is divisible by? जल्दी से बोलो सारे, किससे डिविजिबल हो? टू से. अगर नंबर टू से डिविजिबल हो जाए तो वो इवन होता है, और जब नहीं होता टू से डिविजिबल तो उसको बोलते हैं ऑड नंबर. अब मैंने आपसे पूछा, सोच समझ के आंसर करना, आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो इवन भी हो और प्राइम भी. क्या कोई ऐसा नंबर होता जो इवन भी हो और प्राइम भी हो? 6B से बड़े सारे हाथ खड़े हैं, 6A से कोई हाथ अभी तक तो खड़ा दिख रहा है मुझे, एक पीछे नहीं, कोई हाथ खड़ा नहीं. 6A से कोई हाथ नहीं खड़ा. 6B, हाँ जी, थर्ड रो कॉर्नर में जो लड़की बैठी है, 6B. एम टू टू. इवन एंड प्राइम, देयर इज ओनली वन नंबर विच इज बोथ इवन एज वेल एज प्राइम. इसके अलावा आप जितने भी प्राइम नंबर देखेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? ऑड. ठीक है जी, सो द ओनली इवन प्राइम नंबर इज टू. तो हमने क्या क्या बातें करी? प्राइम नंबर का मतलब दो ही फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ. वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. टू इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर. अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट दो बातें, को प्राइम एंड ट्विन प्राइम. को प्राइम एंड ट्विन प्राइम लिखो जी. टू नंबर्स दैट हैव, टू नंबर्स को प्राइम की बात कर रहे हैं, टू नंबर्स विच हैव, ये पढ़ा होगा वैसे तो आपने, टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर. Only one as the common factor are known as co-prime numbers. Are known as co-prime numbers and they need not be प्राइम. दे नीड नॉट बी प्राइम. दोबारा देखते हैं हम क्या कह रहे हैं. कोई भी दो नंबर मेरे से दे दिए जाए और मुझे पूछा जाए बताओ वो को प्राइम है या नहीं. ठीक है, मान लो
एक नंबर मुझे दे दिया है 3 और दूसरा 4, और मेरे से पूछा जाए कि ये को प्राइम है कि नहीं, तो क्या करना है? सबसे पहले तो आप 3 के फैक्टर लिख लो, 4 के फैक्टर लिखो, लिखो जरा जल्दी से फैक्टर्स ऑफ 3। एंड फैक्टर्स ऑफ 4, राइट डाउन फैक्टर्स ऑफ 3 एंड फैक्टर्स ऑफ 4। हाँ जी देख लिए, 3 के सारे बोलेंगे, 3 के फैक्टर्स और 4 के फैक्टर्स, 1, 2 एंड 4। अब इन दोनों में अगर मैं ऐसा फैक्टर कहूं जो कॉमन, कॉमन का मतलब दोनों का फैक्टर, क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों का फैक्टर बन रहा है? 1 दोनों में पड़ा है, ठीक है जी। और हमने क्या कहा था, टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज द कॉमन फैक्टर आर नोन एज को प्राइम नंबर। सो आई विल से 3 एंड 4 आर को प्राइम, लेकिन ध्यान दो बच्चों, 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। ये 4 इज नॉट द प्राइम नंबर, लेकिन जब मैं 3 के साथ इसको देखती हूं तो इन दोनों में 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये कैसे हो जाएंगे को प्राइम नंबर्स। इज इट ओके? दोबारा Yes. समझते हैं, को प्राइम नंबर में हमने क्या कहा, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो 1, और को प्राइम होने के लिए नंबर का प्राइम होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यहां पर हमने देखा 3 प्राइम नंबर था, 4 प्राइम था ही नहीं, लेकिन फिर भी इस पेयर को हमने क्या कह दिया, को प्राइम। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मेरे पास 2 नंबर हैं, एक है 35 और एक है 39। पहले तो बताओ क्या 35 एंड 39 प्राइम नंबर है? चलो एक काम करो, फैक्टर्स लिख लो, फैक्टर लिखेंगे तो पता चल जाएगा, प्राइम को प्राइम भी पता चल जाएगा, सारा कुछ ही पता चल जाएगा। जल्दी से लिखो जरा 35 के फैक्टर्स और 39 के फैक्टर्स, 1 1 तो दोनों में डाल ही दूं और 35 39 भी डाल दूं, पर चलो बाकी भी लिखो तुम। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए 35 के फैक्टर्स हैं, सब दिखने चाहिए मुझे काम करते हुए, बैठे हुए कोई नहीं दिखना चाहिए मुझे। राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 35 एंड फैक्टर्स ऑफ 39। अपना अपना काम, आगे पीछे नहीं देखना। हाँ जी 35 के फैक्टर्स लिखे गए कि नहीं अभी तक? पांच है इसका फैक्टर, 5 के बाद। हाँ जी, और कोई मिलेगा? 35, द ओनली फैक्टर्स ऑफ 35 आर 1, 5, 7 एंड 35, दीज आर द ओनली फैक्टर्स। और 39 के बारे में क्या विचार है? 1, 3, 13 एंड देन 30।
इसका मतलब क्या हुआ कि 35 एंड 35 दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं, क्योंकि दो दो से तो ज्यादा फैक्टर आ गए इनके, लेकिन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है सिर्फ। सो आई विल से 35 एंड 39 आर ओ प्राइम नंबर्स। 35 एंड 39 आर ओ प्राइम नंबर्स। ये बात समझ में आई है सभी को? हाँ जी, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? चलो फटाफट से अब ट्विन प्राइम भी देख लेते हैं, वो तो बिल्कुल आसान है। लिखो पहले क्या होता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम टू प्राइम नंबर्स विद अ डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स विद अ डिफरेंस ऑफ वन आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। फॉर एग्जाम्पल 11 एंड 13, दे आर ट्विन प्राइम। 11 प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, और दोनों में कितना डिफरेंस है? डिफरेंस 2 का है, मतलब इमीडिएट प्राइम नंबर है। 11 और 13 में कितना डिफरेंस है? 2 का। तो यहां पे अगर डिफरेंस ऑफ 2 कर दो यहां पर, इट विल बी बेटर। प्राइम्स की बात कर रहे थे, डिफरेंस 11 और 13, 11 के बाद आगे चलूं तो सीधा 13 ही प्राइम नंबर आता है, ठीक है जी। और दोनों में डिफरेंस कितना आ गया? 2 का। अब मुझे बताओ, अगर मैं एक लूं 17 और एक लूं 19, क्या ये ट्विन प्राइम होंगे? क्योंकि 17 और 19 में कितना गैप है? सिर्फ 2 का। अब अगर मैं कहूं 5 एंड 7, विल दे बी ट्विन प्राइम? ठीक है जी, तो दे आर ट्विन प्राइम। लेकिन अगर मैं एक नंबर ले लूं 3 और एक ले लूं 7, दोनों प्राइम हैं, बट विल दे बी ट्विन प्राइम? दे विल नॉट बी ट्विन प्राइम, क्योंकि उनका डिफरेंस जो है वो 2 से ज्यादा हो गया है, ठीक है जी। तो ट्विन प्राइम में दोनों नंबर प्राइम होंगे और उनका डिफरेंस 2 होगा। को प्राइम में जो दो नंबर्स की हम बात कर रहे हैं वो प्राइम नहीं भी हो सकते, और लेकिन उनका कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये बात हो गई प्राइम्स की। अब इवन नंबर ऑड नंबर तो आपको मालूम ही है, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन होते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड होते हैं। अब मैं क्वेश्चन लिख रही हूं, सिर्फ हैंड रेज करने हैं, ठीक है जी। द सम ऑफ द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? दो इवन नंबर को जब मैं ऐड करूं तो मेरा आंसर कैसा बनेगा, इवन बनेगा या ऑड बनेगा? कोई कोई एग्जांपल लेके देख सकते हो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा। दो कोई भी दो इवन नंबर ले लो और उनको ऐड करो, देखो आंसर क्या बनाओगे। सिक्स्थ बी में से पीछे से एक हाथ खड़ा हुआ है, सेकंड लास्ट बेंच से। सिक्स्थ बी सेकंड लास्ट बेंच कॉर्नर स्टूडेंट, आ जाओ बच्चे आगे। हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आप ही। हाँ आ जाओ, शाबाश। अच्छा वो आ गया, चलो ठीक है आप आ जाओ, इसे मैंने इधर से बुलाया था। दैट गर्ल, इवन व्हेनेवर वी ऐड टू इवन नंबर्स द रिजल्ट इज ऑलवेज इवन। कोई भी दो इवन नंबर लेके देख लो, 2 + 4 करेंगे आंसर कितना? 6। ये इवन आंसर भी इवन। आई टेक से 50 + 30, दोनों इवन नंबर है, ऐड किया आंसर कैसा? इवन। अब
ऐसे जैसे हमने यहां पर दो इवन नंबर लिया तो आंसर इवन बना है। अगर मैं दो ऑड नंबर्स ले लूं फिर क्या होगा? इफ आई टेक टू ऑड नंबर्स देयर सम इज, कौन बताएगा? दो ऑड नंबर्स को ऐड करके क्या मिलता है? दो इवन को ऐड किया तो इवन मिला, क्या दो ऑड को ऐड करके आंसर ऑड मिलेगा? कैसा मिलेगा? इवन। दो ऑड नंबर, एक 3 ले लिया, एक 5 ले लिया, ऐड किया तो आंसर बन रहा है इवन। लेट अस से 11 ले लें और 27 ले लें तो आंसर क्या बन रहा है? 38। इवन। इसका मतलब जब ये लिखते जाओ, छोटी छोटी सी बातें हैं जो पेपर में सीधे से पूछी जा सकती हैं। द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। राइट डाउन, सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। सेकेंड, सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज इवन एंड द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑल्सो इवन। अब हमने दो इवन नंबर दो ऑड नंबर की बात तो कर ली। अब अगर एक इवन नंबर हो और एक ऑड नंबर हो, अब क्या करना है मुझे? एक इवन नंबर लेना है और एक ऑड लेना है, तो सम बताओ कैसा आना चाहिए? सम ऑफ वन इवन नंबर एंड वन ऑड नंबर इज ऑड। लेट अस से एक 3 ले लिया, एक 4 ले लिया, ये ऑड है, ये इवन है, तो सम ऑड। ठीक है जी। वेन एवर आई एड टू इवन नंबर्स आंसर इज गोइंग टू बी इवन, वेन एवर आई एड टू ऑड नंबर्स आंसर इज गोइंग टू बी इवन अगेन, वन ऑड वन इवन आंसर इज गोइंग टू बी ऑड। अब मुझे बताओ, अगर मैं दो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं, इंस्टेड ऑफ एडिंग नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग टू इवन नंबर्स, सोच के बोलना मेरा आंसर कैसा आएगा? इवन वेन टू, तो मैं यहां पे लिख रही हूं दी सम की बजाय, अभी मैं यहां पे कर देती हूं दी प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन। दो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा इवन बनेगा, और अगर दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो इतना इतना सोचने की जरूरत है? दो ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों में से ऑड, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑड। और अब अगर मैं एक इवन और एक ऑड नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं तो इवन मेरा आंसर हमेशा बनने वाला है इज इवन ऑलवेज।
दो ऑड नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से आंसर ऑड, लेकिन दो ऑड नंबर्स की एडिशन से आंसर इवन। दो इवन नंबर को ऐड कर लूं या मल्टीप्लाई कर लूं, आंसर इवन। एक इवन नंबर एक ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर इवन है, लेकिन ऐड करूंगी तो आंसर ऑड आएगा। ठीक है जी, यहां तक सबको समझ में आ रही है बात? चलिए जी, तो हमने आज क्या-क्या बातें कर ली। हमने देखा फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, देन वी टॉक्ट अबाउट प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। जो कुछ हमने किया है उसमें से किसी को भी कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई हो तो मुझे बता दो जरा। अगर सबको समझ में आ गई है तो मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, जल्दी जल्दी से जरा आंसर कर दो, बस 2-4 मिनट रह गए हैं अभी, है ना टाइम? मैम मैम, कैन वी डू 1 or 2 questions? डू हैव टाइम? ठीक यस ठीक है, क्वेश्चन लिखे, देखो जल्दी से लिखना। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, राइट डाउन हाउ मेनी प्राइम नंबर्स। मैम, मुझे को प्राइम नहीं आया आपको समझ। को प्राइम समझ नहीं आया? लो जी, फिर हम को प्राइम की बात कर लेते हैं वापस। को प्राइम में हमने क्या कहा था? को प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, इसके लिए मेरे नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं है। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन जब मैंने 3 और 4 के फैक्टर्स देखे तो कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या आया, इसीलिए वो हो गया को प्राइम। ऐसे ही हम आगे चले, अगर मैंने नंबर्स लिए 35 एंड 39, 35 भी प्राइम नहीं है इसके 4 फैक्टर बन रहे हैं, 39 भी प्राइम नहीं है इसके भी 4 फैक्टर बन रहे हैं, लेकिन इन दोनों में जो कॉमन है वो सिर्फ क्या है? अब अगर मैं नंबर लूं, एक मैंने ले लिया 4 और एक ले लिया 8, तो बताओ क्या ये को प्राइम होंगे? लिखो जरा 4 के फैक्टर्स और 8 के फैक्टर्स, फटाफट लिखो फटाफट। फैक्टर्स ऑफ 4 एंड फैक्टर्स ऑफ 8, हाँ जी, आर दे को प्राइम? नो। 4 के फैक्टर लिखा तो 1, 2 एंड 4, 8 के फैक्टर लिखोगे 1, 2, 4 एंड 8, इसमें 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन। सो 4 एंड 8 आर नॉट को प्राइम। अब बेटा समझ में आ गया ये? यस चलिए ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर द क्लास। ओके जी। बाय।